क्या बात है रोहन? रोहन बेटे, मुझे बेटा कहने का आपको कोई हक नहीं। बाप का कौन सा फर्ज पूरा किया है आपने? पति के होते हुए मेरी मां को एक विधवा की जिंदगी गुजारनी पड़ी और बाप के होते हुए मुझे अनाथ की। तू चाहे जो मर्जी कह ले, मगर अपने आप को अनाथ ना भूल। मैं अनाथ ही हूं। खबरदार जो मुझे बेटा कहा। मुझे माफ कर दे। क्यों माफ करूं? आप है कौन? मेरा बाप मर चुका है, तुमने मारा है उसे। एक मुजरिम होने के बावजूद खुद यहां ऐशो आराम की इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो। ऐशो आराम की जिंदगी? अरे मैं तो कायर था जो तुझसे छुप रहा था। आज मैं सबके सामने बता देना चाहता हूं कि असलियत क्या है। सुनिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जिस बलराज खन्ना की आप इज्जत करते हैं वो इस इज्जत के लायक नहीं है। वो एक गुनहगार है, वो एक मुजरिम है। हिंदुस्तान में अच्छा भला परिवार था मेरा, दौलत कमाने का जनून सवार था मुझ पर। रोज झगड़ा करता था मैं, एक दिन झगड़ा करके चला गया। बस में जा रहा था, बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं बच गया। उसका फायदा उठाकर मैं यहां तक पहुंच गया। इतना कमीना, इतना खुदगर्ज हूं मैं। आज से 22 साल पहले मैंने अपने आप को मार डाला था, और आज इस लाश को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। होश में आओ बलराज। मेरे यार, मैं जीना नहीं चाहता। मैं जीना नहीं चाहता। बेटा अपने पिता की चिता को आग देता है। मुझे मार डाल बेटा, मैं समझूंगा तेरे हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो गया। आपको मार देने से मेरी मां की जवानी वापस नहीं आ सकती, मेरा गुजरा बचपन वापस नहीं आ सकता। सबके सामने बोल के आप क्या समझते हैं मैं आपको माफ कर दूंगा? आज जब आपकी दूसरी बीवी बेटा आपको छोड़ गए, तो मेरे लिए, मेरी मां के लिए मोहब्बत जागी है? आज से पहले हमारी याद नहीं आई? यह गलत है रोहन। यहां आने के बाद बलराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये लौटकर हिंदुस्तान भी गया था। हाँ रोहन, जब मैं आजमगढ़ गया, पाजी दुकान मकान बेचकर कहीं चले गए थे। मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, पर वो मिले नहीं। दूसरी शादी मैंने इसलिए की, यहां बसने के लिए। बेटे, तू भी तो वही करने जा रहा था जो मैं कर चुका था, लेकिन तू खुश नसीब है जो तेरी किस्मत में पूजा जैसी लड़की आई, जिसने वक्त पर तुम्हारी आंखें खोल दी। रोहन, सब कुछ भूलकर दिल से एक बात बताओ, क्या तुम्हें खुशी नहीं कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है? एक बच्चा अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हो सकता है। आप मर जाए तो मां के सहारे जी सकता है, लेकिन एक औरत का पति चला जाए तो वो किसके सहारे और कैसी जीती है, वो तकलीफ मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा है अपनी मां का उदास चेहरा, उसका अकेलापन। आप मेरे मुजरिम बाद में हैं, पहले मेरी मां के मुजरिम हैं। और माफ करने का हक सिर्फ मेरी मां को है। रोहन, एक बार रमा से मेरी बात करा दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, एक बार उससे माफी मांग लूंगा। मैं जानता हूं कि माफी मांगने से मेरा पाप नहीं धुलेगा, लेकिन मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हेलो माँ। रोहन, इतनी सुबह
तेरे यहाँ तो सुबह हो गई है माँ, लेकिन यहाँ अभी भी अंधेरा है। बात क्या है? एक बात बताओ माँ, अगर तुझे अचानक पता चले कि पिताजी जिंदा है तो तू क्या करेगी? ये तू क्या बोल रहा है? वो जिंदा है माँ, ले बात कर। रमा, मैं रमा, मुझे माफ कर दो रमा, मैं तेरे पांव को हाथ लगा के कहता हूं मुझे माफ कर दो। हाँ रमा, क्या कह रही है तू? बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। माँ मैं क्या करूं? उड़ी लेकर आ जा, आ जा। सुना, उसने मुझे माफ कर दिया। पूजा, मेरी रमा ने मुझे माफ कर दिया। वो कहती है वापस आ जाओ। रोहन, रोहन छोड़ ये दौलत का चक्कर। देख मैं तेरे सामने हूं, इस दौलत के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। चल, मैं कहता हूं चल, वापस चलते हैं, लौट चल। तुम्हें जहां जाना है जाओ, मगर सब कुछ मेरे नाम करके जाओ। करण, तुमने सिर्फ इसे और इसकी माँ को ही नहीं, मुझे और मेरी माँ को भी धोखा दिया है। हिंदुस्तान में तुम्हारे बीबी और बच्चा था, ये बात तुमने हमसे छुपा कर रखी, और आज जब तुम्हारा बेटा मिल गया तो सारी मोहब्बत उस पे लुटा रहे हो। ठीक है, जाओ जहां जाना है अपने बेटे के साथ, मगर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जाना होगा। बदतमीज, मैं तुझे एक पैसा नहीं देकर जाऊंगा। देखता हूं कैसे नहीं देकर जाते। क्या कर लेगा तू? कुछ भी कर बैठूंगा। बाप को धमकी देता है बदतमीज। खबरदार, जो मेरे बाप पे हाथ।